सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का भूगोल के किताब का पांचवा अध्याय प्राकृतिक वनस्पतियों वन प्राणी का जो है इसके क्वेश्चन आंसर का जो है हम लोग आकलन करेंगे और जो है समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने जो है आप लोग को जो है प्रश्न उत्तर कराए हैं और जो है आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। बच्चों, आज का जो प्रश्न है कह रहा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या वन, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं? तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है और समझाया है कि प्राकृतिक वनस्पति जो है वैसे वनस्पति होते हैं के अंतर्गत वैसे पेड़ पौधे आते हैं जो बिना मानव प्रयास के ही उगते हैं और बढ़ते हैं। बच्चों, और आपने ये भी हमने बताया है कि भारत में पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं और वन जो है पांच प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें कुछ अलग अलग जो है पांचों वन में अपने जो अलग अलग विशेषताएं हैं वह जो है उनकी विशेषताओं के आधार पर ही हमने पाँच भागों में वर्गों में बांटे हैं। बच्चों, वही जो है आज जो है हम लोग उस पर चर्चाएं करेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज जो है हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हमने बताया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह हिमालय के भारत के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक ना, जो कि उसमें कुछ ऐसे उसमें है जैसे अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उसमें वर्षा की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। वह जो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, उसको से कम अधिक वर्षा चाहिए और जो है उसके लिए जो है सूर्य का टेम्परेचर भी जो है 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बच्चों, अर्थात वह उसके लिए अधिक पानी और तापमान भी जो है ऊँच ना ही ऊँच ना ही निम्न चाहिए, उसे जो है मध्यांतर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। एक और बात आपसे बता देना चाहते हैं कि सदाबहार वन होते हैं वह बहुत ही सघन होते हैं, मतलब कि घना होते हैं। बच्चों, आज जो है हम लोग इस प्रश्नों को जो है उत्तर का जो है अवलोकन करेंगे, इसे जानने का प्रयास करेंगे। हमने दिखाया है प्रश्न का है प्राकृतिक वनस्पति क्या है और जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं। इसके आंसर लिखवाए हैं प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधों को कहते हैं जो बिना मानव प्रयास के स्वतः उगती हैं और बढ़ती हैं। इसमें लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले जलवायु क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है, तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत चीन है कि पश्चिमी ढाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो बच्चों, ये जलवायु का जो है एक सम स्थिति में पाया जाता है, ठीक ना, और ये जो है ना तो अधिक टेम्परेचर ना ही कम टेम्परेचर, लेकिन वर्षा जो है अधिक होनी चाहिए, पानी की मात्रा इसके लिए अधिक चाहिए। इसे आप लोग फिर कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, हम एक और क्वेश्चन जो है आपको मौखिक रूप से समझा देते हैं, इसे अपने आप से है अपने से प्रयास करके किताब के माध्यम से इसे लिखने का प्रयास आप लोग स्वतः करेंगे। बच्चों, आप लोग जो है इस चैप्टर को एक दो बार नहीं बल्कि तीन चार बार निश्चित रूप से घरों पे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तभी जो भी हम बता रहे हैं तभी जो है आपको समझ में आएगा। और प्रश्न के दो, भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? भारत में पादपों और जीवों का वितरण जो है या भारत सरकार के द्वारा सांख्यिकी जो विभाग है उसके द्वारा इनकी गणना की जाती है और जो है इनका अवलोकन किया जाता है कि कौन से जीव कितने संख्या में भारत में स्थित है। ऐसे में प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भारत में जीवों और पादपों का जो वितरण होता है वह जलवायु के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है।
तो बच्चों आप लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जैसे सदाबहार वन है वह जो है वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। टेम्परेचर जो है वहाँ का 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये वितरण जो होता है सदाबहार वन का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, वह जो है एक विशेष जलवायु की परिस्थिति में होती है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे मरुस्थलीय वन होते हैं, मरुस्थलीय वन सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थली वन जो है वह राजस्थान वाले क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ का टेम्परेचर वैसा है और जो है वहीं पर वह वन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जीव है तो गिर, जैसे राष्ट्रीय उद्यान गिर जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पे अधिक शेर पाए जाते हैं, ठीक ना। और जो है यहाँ पे सुंदरवन है जो कि झारखंड और बिहार बंगाल के जो है बॉर्डर पे स्थित है। सुंदरवन में बाघ पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनको रहने लायक उनके शरीर के अनुकूल जो है वहाँ पे जलवायु मौजूद है। वहाँ पे वह अधिक अपने आप को जो है सुरक्षित संरक्षित महसूस करते हैं और वहाँ की जो है जो जलवायु है वह उनके अनुसार अनुकूलित है, संरक्षित है, इसलिए जो है वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और प्रजनन क्रिया उनकी अच्छी होती है और जो है उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जाती है। तो बच्चों कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उनके लायक अनुकूलित होते हैं, इसलिए जो है उनकी जनसंख्या जो है निर्धारित आसानी से हो पाती है। तो बच्चों इस प्रश्न को जो है अपने से स्वतः लिखने का प्रयास करेंगे। और देखिए अगला प्रश्न भी आप लोगों को हम बता देते हैं। भारत में तीनवा प्रश्न है, भारत में विभिन्न प्रकार के वनों का वर्णन करना है। तो अभी जो है हम आपको बताए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसमें मुख्य बिंदु में भी हमने लिखवाया है कि भारत में पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसमें लिखना है कि भारत में पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं, सारे वनों को जो है पांचों प्रकार के जो वन है उसको जो लिख लेना है। लिखने के बाद उसमें जो लिखना है कि जो जैसे कि मान लीजिए इसका हम लिखवाए हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसमें लिखवाए हैं कि यह वन जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा अधिक वर्षा होती है, टेम्परेचर जो है 24 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसी प्रकार की जो है उसी में भी लिखना है कहाँ कितनी वर्षा होती है, तो कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, उसी तरह से जो है वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो है उस वनस्पति के अंतर्गत जो है वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, उसकी भी जो है व्याख्या आप लोगों को एक एक करके करना है, ठीक ना। तो आप लोग जो है उसे निश्चित रूप से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वह जो है सारे तत्वों को जो है अवलोकन करके स्वतः लिखने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो बच्चों आप लोगों से हम यही आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग निश्चित रूप से और ईमानदारी से अपने जो है लक्ष्य को की ओर बढ़ रहे होंगे और हमारे बताए हुए जो भी पढ़ने का जो तरीका है आप लोग जो है उस पर उसका अनुसरण कर रहे होंगे और आप लोग बढ़िया से घर पर समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों आप जैसे फेर को भी लिखिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।